हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट YKS। दिवाली में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कैप गन का यूज़ नहीं किया होगा। कैप गन में लगने वाली गोली को हम रिंग कैप कहते हैं। ये किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास सोनी ब्रांड का रिंग कैप है और इस पे जो लोगो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये एक ग्रीन फायर वर्क भी है। ओके, सो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड गन की। आपको हर शॉप में प्लास्टिक मटेरियल की गन मिल जाएगी, लेकिन मुझे लकली रिंग कैप गन मेटल की मिली है। यस, इट्स मेड अप ऑफ मेटल। देखने में ये काफ़ी ऑसम लग रहा है। इट्स लुक लाइक एन रियल गन एज कम्पेयर टू प्लास्टिक गन्स। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है एंड देखने में इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एज़ ये मेटल गन है तो जनरली प्लास्टिक गन्स में ये होता है कि कैप गन का यूज़ करने पे उसके कई पार्ट्स टूटने लगते हैं, बट ये मेटल का बना है तो इसके पार्ट्स रिलायबल हैं और ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी किस टाइप की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके राइट साइड में एक रेड कलर का लैच दिया हुआ है जिसको प्रेस करने से ये ओपन होता है। इसके अंदर ये मेटालिक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर हम रिंग कैप को डाल सकते हैं। ये डिटैचेबल भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये भी मेटल का ही बना हुआ है। इसके अंदर के सारे पार्ट्स भी मेटल के हैं। तो चलिए अब इस गन को एक्चुअल में वेट करके देखते हैं कि इसका वेट कितना है। तो ये है हमारी वेइंग मशीन एज़ यूजुअल, और ये है गन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 294 ग्राम्स। काफ़ी हैवी है रिंग कैप गन के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसे यूज़ करके देखते हैं। ये जो रिंग कैप्स होते हैं इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एक्चुअली में लोड सेंसिटिव होता है। इसी की वजह से जब इसका ट्रिगर स्ट्राइक करता है तो ये इग्नाइट हो जाता है। चलिए इन सब रिंग में से एक रिंग को बाहर निकालते हैं और गन में लगाते हैं। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं।